नमस्कार, मैं जिस जगह पर रहा हूँ ये गोड्डा गांधी मैदान है और मेरे ठीक पीछे ये वो जगह है जहाँ पिछले 7 दशक से साल में 2 दफा झंडा फहराया जा रहा है। हम सब पर चर्च करेंगे, हम आपको ये भी बतलाने का प्रयास करेंगे कि गोड्डा की धरती पर पहली दफा झंडा कब फहराया गया। हर कुछ हम बताएंगे आपको, सब पर चर्च करेंगे। उससे पहले मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं जिला टॉक। नमस्कार, बालाजी परिवार की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की गोड्डा नगर वासियों को हार्दिक बधाइयां। वैश्विक महामारी में घर में रहे, सुरक्षित रहे। देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर हम उत्सव की बात करें तो इस वर्ष उत्सव थोड़ा फीका हो सकता है। हम बात अगर दिल्ली से करें, देश की राजधानी से करें, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री झंडारोहण करेंगे लाल किले से। अगर हम भीड़ की बात करें तो इस वर्ष भीड़ में 1/4 की कमी नजर आएगी। जहां पिछले वर्ष 10,000 स्कूली बच्चे शामिल होते थे, तो इस वर्ष सिर्फ 500 एनसीसी के कैडेट कार्यक्रम के साक्षी होंगे। नमस्कार, महागमा नगरवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह ना निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आप धन्यवाद। अगर हम अतिथियों की बात करें तो पिछले वर्ष और बीते वर्षों से जो चला आ रहा था, लगभग 20,000 लोग शामिल होते थे, इस वर्ष सिर्फ 5,000 लोग इसमें शामिल होंगे। अगर हम वीआईपी की बात करें तो इस वर्ष कोरोना वॉरियर्स को भी वीआईपी के रूप में शामिल किया गया है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने जिले गोड्डा की। गोड्डा की अगर बात करें, अगर हम आपको बताएं कि सबसे पहली बार गोड्डा में कब झंडा फहराया गया था, तो वो दिन था 13 अगस्त 1942। ये पीछे कोर्ट का परिसर था, कोर्ट पुराने कचहरी के परिसर के ऊपरी मंजिल से सबसे पहली बार गोड्डा में झंडा फहराया गया। 13 अगस्त 1942 को नाथ झा गौरव, कमलाकांत झा, प्रयाग दत्त ठाकुर, सत्यनारायण पांडे, किशोर मांझी और उनके साथियों ने ब्रिटिश झंडा उतार कर तिरंगा फहराया। बड़ी दिलचस्प कहानी रही है उस रोज की। इतिहास के जानकार बताते हैं कि जिस रोज झंडा फहराया गया था, उस रोज झंडे की रस्सी छोटी पड़ गई थी, तो कमलाकांत झा ने अपने जनेऊ को खोलकर झंडा को बांधा था। सभी को नमस्कार। आप सभी को वंश होंडा परिवार एवं मेरी ओर से 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आजाद भारत की बात करें तो आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को गोड्डा में इसी जगह पर पहली दफा झंडा फहराया गया था। ठीक इसी जगह पर बुद्धिनाथ झा उस वक्त के तत्कालीन विधायक थे जिन्होंने झंडा फहराया था। आजादी की शाम सांस्कृतिक संध्या भी 1947 से ही चली आ रही थी। नमस्कार, मैं साहिल मेहरा गोड्डा नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 का पार्षद हूँ। मैं वार्ड वासियों और गोड्डा नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पर वो इस वर्ष खंडित हो गए। 1947 में पहली दफा सांस्कृतिक संध्या मनाई गई थी और 1947 से लेकर अब तक पिछले 74 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा था। पिछले कभी भी ये देखने को नहीं मिला था कि ये कार्यक्रम खंडित हुआ हो, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम खंडित हो गया है, ये कार्यक्रम नहीं होगा। क्या इतिहास रहा है सर, गोड्डा में झंडा फहराने का क्या इतिहास रहा है? जो आपका महात्मा गांधी अमर के थे नदी झंडा है, अंग्रेज भाग छोड़ो 9 अगस्त को यहाँ पूरा जोश आ गया था लोगों में। 13 अगस्त को आपके जो कोर्ट जो ऑफिस है वहाँ पे यूनियन चेक था पहले, और उसमें अनुमंडा था गोड्डा, जिला था नहीं, तो बड़ा पदाधिकारी जोश आ गए थे। यूनियन चेक को नीचे करके तो अंग्रेज झंडा यहाँ के पटना फाटा हुआ बस गए थे, पुलिस ने। ये तो हुई इतिहास की बात। अब कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। इसके उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर कार्यक्रम किया जाएगा, इसका अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारी टीम आप तक पहुंचाते रहेगी। तब तक के लिए देखते रहें जिला टॉक।